अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। अभी आज वापसी हमारी स्टार्ट हो गई है। आपके लिए एक अपडेट है, अगर आप खासतौर पे वीकेंड पे मनाली आने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये हालत देख लो। ये टनल नंबर 12 है, मतलब ये सभी कुल मिला के 22 टनल हैं। कुछ खुल चुकी हैं, कुछ खुलनी है अभी। आप ये चेक करो, ये देखो ऊपर, अभी भी ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं है। दोस्तों अभी आपके लिए अपडेट है इस रोड का, वो ये अपडेट है मेरे भाई, जिसने भी मनाली के लिए आना है घूमने के लिए, और अगर कोई सोच रहा है कि यार फिर फैमिली चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, मज़ा करेंगे, तो भाई प्लीज़ 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 अभी मत आओ। सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं हूं मनाली में अपनी ब्यूटीफुल कैंप साइट में। तो अभी कुछ नई नई चीज़ें सामने आई हैं, आपको पहले वो दिखाता हूं। जहां पे हम लोग अभी रुके हुए हैं वो एक्चुअली एक एप्पल ऑर्चर्ड है, एप्पल फार्म है। ये देखिए छोटे छोटे एप्पल लगे हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और पीछे देखिए नदी का खूबसूरत नज़ारा, और इस तरफ घूमेंगे तो सामने देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन। इससे पहले आपने टाइम लैप्स देख लिया होगा, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार सुबह सुबह का, बहुत मज़ेदार है। अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। अभी आज वापसी हमारी स्टार्ट हो गई है, शाम तक लुधियाना पहुंच जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा सफ़र भी नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना निकलेंगे यहाँ से। अभी बस निकल रहे हैं, थोड़ी देर में नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके निकल जाएंगे साथ ही में, आज का सफ़र शुरू करते हैं। मतलब ये वैसे तो जितना ये ट्रिप रहा यार बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार रहा, बहुत फ़न किया सब, बच्चों ने भी, माताजी ने भी, और मैडम ने तो किया ही किया, मैंने भी किया, और होप करता हूँ आप सब ने भी बहुत अच्छा फ़न किया होगा, देखा होगा पूरा नज़ारा जो जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए अब अपना मैं ड्राइव अपनी स्टार्ट करता हूँ। सामान सारा अपना आ चुका है, बस खाली सामान गाड़ी में पैक करना है और निकलना है, और कोई काम नहीं रह गया, बाकी सब कुछ हो चुका है। चलिए अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, मैं मिलता हूँ आपके साथ गाड़ी में। आपके लिए एक अपडेट है, अगर आप खासतौर पे वीकेंड पे मनाली आने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये हालत देख लो। अभी हम लोग मनाली से बाहर ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आ चुके हैं और तब भी ये हाल है जाम का। मैं फिर कहूँगा कि जो भी बंदा वीकेंड पे आने का प्लान कर रहा है ना, वो भैया ये सोच के आए कि ये पोजीशन रहने वाली है। चलता जा रहा हूँ साथ साथ में, आपको अभी अपडेट देता जा रहा हूँ कि सीज़न में ये हाल हो रहा है, तो ध्यान से आइए, जिसने भी आना है बहुत ध्यान से आइए। बहुत भयंकर ट्रैफिक है बॉस, बहुत भयंकर ट्रैफिक है, देखो हाल देखो। बेचारे पुलिस वाले पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट टूरिस्ट का क्राउड ही इतना है कि पुलिस वाले भी क्या करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये जो नया रोड बना है, ये ऊपर आप चेक करो, ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये आने के लिए रास्ता है, वापस जाने के लिए नीचे से रास्ता है। अभी हम पहुँच चुके हैं ऑट, हमने ऑट टनल क्रॉस कर ली है, उसके बाद ये जगह आई है। रास्ता अभी क्या है कि डिवाइडेड है, एक ही लेन दोनों तरफ नहीं चलती, दोनों लेन अब अलग अलग चल रही हैं। ये टनल नंबर 12 है, मतलब ये सभी कुल मिला के 22 टनल हैं, कुछ खुल चुके हैं, कुछ खुलनी है अभी। ये लीजिए, ये टनल नंबर 11 है जो हमने जाते हुए क्रॉस की थी, मतलब दोनों अलग अलग टनल बनी हुई हैं। ये जो टनल बनी है ना, इतनी शानदार बनी हुई है, इनमें मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि जगह जगह पे, मतलब करीबन 200 या 300 मीटर की रेंज में, यहाँ पे जगह जगह एमरजेंसी फोन बूथ लगाए गए हैं, एमरजेंसी एक्सिट है, काफ़ी तरीके सिक्योर तरीके से ये टनल बनी है। जो ऑट वाली टनल है, आपको एक बात बता दूँ कि वो दुनिया की सबसे डेंजरस टनल में आती है। उसका मेन रीज़न क्या है, ना तो उसमें कोई वेंटिलेशन का कोई सोर्स है, ना ही उसमें किसी तरह से कोई एग्जिट रखा गया है, ना कोई एमरजेंसी और कोई सिस्टम उसमें बनाया गया, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक टनल्स में आती है। और ये जो नई टनल बनी है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनी है और बहुत सेफ टनल है, बहुत मज़ा आया इनको देख के। चलिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट पंडोह पहुँचने वाले हैं, पंडोह का भी आपको दिखाता हूँ। अगर आज दुआ तो यही कर रहा हूँ यार कि जाम ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तो बहुत जाम था भैया, बहुत बुरी तरह फंसे थे। आप ये चेक करो, ये देखो ऊपर, अभी भी ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं है।
चल रहा है। आपने कल चीज़ पापा वीडियो बना रहे थे, इसके लिए मैं बीच में बोल नहीं पाई। मेरा भी कहता, मैंने भी 5 सेकंड कंट्रोल किया अपने आप को। अभी ये एक ऊपर टनल है, ये अभी इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये अभी यहाँ पे ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से चल रहा है एक ही रोड पे। जो मैंने अभी आपको पीछे टनल दिखाई जो भी है अनकम्प्लीट है, मतलब बन रही है, जब वो बन जाएगी तो देखिए जैसे ये ट्रैफिक अभी चल रहा है यहाँ पे, तो ये सारा वन वे हो जाएगा। दोस्तों ये सामने ऊपर आप रोड देख रहे हैं, ये आपको जो ब्रिज नज़र आ रहे हैं, ये दो पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं और दोनों तरफ से टनल है। ये देखिए ये अभी जो टनल्स हैं इनकम्प्लीट है, जिस वजह से ये सारा जाम लगा हुआ है। एक बार ये भी कम्प्लीट हो जाए तो ये जो जाम है यहाँ पे काफ़ी हद तक इससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों वापस हम अभी पहुँच चुके हैं मंडी, मंडी पहुँच के कुछ खाने पीने का सामान लेके वापसी अपना जो लुधियाना का सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। अब मंडी आओ यार, और सबसे ज़रूरी तो यही हो जाता है कि अगर बंद टिक्की नहीं खाया, यहाँ की स्पेशल कचौरियाँ नहीं खाई, तो फिर फ़ायदा क्या मंडी आने का। तो मंडी से आते जाते क्रॉस करते ये दो चीज़ें तो चाहिए चाहिए। मंडी में कचौरियाँ तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी कि चलो ठीक है रेडी करके रखो, आएंगे और खाली पिक करेंगे और ले जाएंगे। कचौरियाँ पिक करने जा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ रहेगी बंद टिक्की, वो अभी करण सिंह को उतारूंगा गाड़ी से और आगे से जाके गाड़ी मोड़ के लाऊंगा, क्योंकि छोटी जगह है ना, यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की या रुकने की जगह नहीं होती। पैक करवा के पकड़ते हैं और वापसी निकलते हैं। ये शॉप है जहाँ से मेरी फेवरेट बंद टिक्की मिलती है। अब ये लोग यहीं पर रुकेंगे और ऑर्डर करेंगे, पैक कराएंगे, हम आगे से गाड़ी मोड़ के लाते हैं। सब लोग आ गए, पैकिंग हो गई। आ फटे, हाँ जी होगी पैकिंग। हाँ जी, हो। तुम लोग ने खा पी लिया? हाँ जी, एक एक पीस खाया। जल्दी जल्दी जल्दी, और दर्जन दर्जन खाना नहीं, और दर्जन दर्जन खाने से। हाँ जी, वेरी गुड। भुखड़ लोग, भुखड़ लोग देखो, अकेले अकेले सब खा के आए हैं। आपको भी बोला था आ जाओ। हाँ तो गाड़ी कहाँ लगाता मैं? पार्किंग में। हाँ वहाँ पे रोकने की जगह नहीं थी। ये है कचौरी, अभी छोटा सा पार्ट मैंने पकड़ा, क्योंकि यार गरम गरम जब गाड़ी में आई है ना, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू थी ना, मेरे से सबर नहीं हुआ। दोस्तों लास्ट शॉट के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ यार, मेरा माइक ने काम करना बंद कर दिया। तो हम लोग आगे निकल आए, आगे निकलने के बाद हम लोग अभी पहुँचे HPMC के जूस बार में, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉप है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और एकदम फ्रेश जूसेस मिलते हैं। ये देखिए सिमरन कौर जी दांत निकाल रहे हैं क्योंकि इनको जूस पीना था। सब लोग अभी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जूस अभी ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पर, और मेन हाईवे पर है, बहुत अच्छा स्टॉप है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे माता जी ने मैंगो जूस लिया, मैंने भी मैंगो जूस लिया, और ये करण सिंह और सिमरन कौर ने दोनों ने लीची जूस लिया, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। बस इसको पीने के बाद हमने अपना सफ़र जो आगे कंटिन्यू कर लिया वापसी लुधियाना के लिए। दोस्तों अभी आपके लिए अपडेट है इस रोड का, वो ये अपडेट है मेरे भाई, जिसने भी मनाली के लिए आना है घूमने के लिए, और अगर कोई सोच रहा है कि यार फिर फैमिली चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, मज़ा करेंगे, तो भाई प्लीज़ 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 अभी मत आओ। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, आप यकीन नहीं मानोगे कितनी बुरी हालत है। जाते टाइम मैंने आपको दिखाया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जब मैं इस रूट पे आया था तो यहाँ पे सारी टनल्स खुली थी, हम लोग इजीली आ गए थे, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अभी जब मैं वापस जा रहा हूँ तो इन्होंने क्या किया, जो पहली चार टनल है उस चार टनल में से दो टनल बंद की हुई हैं, जिस वजह से जो जितना भी ट्रैफिक मनाली की तरफ से वापस आ रहा है पूरे का पूरा ट्रैफिक पुराने रास्तों से घूम घूम के आ रहा है, और इतनी बुरी हालत है। ये रास्ते जो हैं, जो पुराने रास्ते बने हुए हैं, ये इतने कैपेबल नहीं है कि जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक झेल सके। सिंगल रोड है, अगर मान लो उस पर एक कोई बड़ी गाड़ी, सपोज करो स्कॉर्पियो ही आ गई, तो दूसरी गाड़ी क्रॉस करने की जगह नहीं है, इतनी बुरी हालत है। ठीक है, इतना लंबा लंबा जाम लग रहा है, और उसी रोड पर ट्रक तक चल रहे हैं, और इतना बुरा भयंकर जाम लग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आप ये देखो, जो सफ़र मैंने सिर्फ एक घंटे में पूरा करना था, अभी उसको 2.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत से लोग फंस फंसा के निकल रहे हैं, हर तरह से परेशान हो रहे हैं। तो मैं आप ये चाहता हूँ, मेरे देखने वाले मेरे व्यूअर जो हैं वो परेशान ना हो, उनको ये दिक्कत ना आए, तो प्लीज़ अपना जो आने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन करो। आज जो डेट है, आज है 10 जून, मैं 10 जून की बात कर रहा हूँ। वैसे कह रहे हैं कि 15 जून को ऑफिशियली ये सारा रोड ओपन हो जाएगा, सभी टनल्स प्रॉपर ओपन हो जाएंगी, तो हो सकता है तब तक कुछ फर्क पड़ जाए, पर फिर भी जो ट्रैफिक का पोजीशन है ना बॉस, बहुत बहुत बुरी हालत है। सो मेरा काम था आपको अवेयर करना, मैंने अभी इसीलिए इंस्टा पे भी प्रॉपरली अपने अपडेट कर दिया, अभी स्टोरी डाल दी है कि भाई वार्निंग है, आप सब लिख रही है, जो भी अभी आना चाह रहा है
अभी मत आओ, अभी मत आओ, मैं बस बार बार सबसे यही कहूँगा, अगर आप परेशानी से बचना चाहते हो तो मत आओ, थोड़ा सा रुक के आओ, 15 तारीख के बाद आओ, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए आपको यही अभी अपडेट देना था, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं, यार थक गया सही में, गाड़ी बहुत गर्म हुई, बार बार 2-3 बार मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि पुराना रास्ता जो है वो एकदम सीधी चढ़ाई है और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस वजह से गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है, तो ऑब्वियसली यार मशीन है, मशीन को तो असर आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, बाकी आपकी मर्जी, मजे कीजिए। दोस्तों अभी मुझे एक दीदी मिली है अरुणाचल से, ये राइड कर रही हैं, अभी ये लोग 5 लोग हैं, लेकिन अभी दीदी यहाँ पर अकेली है, बाकी लोग आ रहे हैं, देखो हम हैं। दीदी दीदी अभी अरुणाचल से राइड कर रही है, अभी कितने लोग, 5 लोग? हम लोग 6 मिलके, 6 लोग, वाओ वाओ वाओ, ये आपका चैनल है? ये मेरा चैनल है, माय सोल इज, वाह, या श्योर 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 श्योर, 2 राइडर और 2 यूट्यूबर, दोनों मिले तो क्या होगा, तीसरा भी है, ये भी है इधर। तो बाकी लोग कहाँ रह गए? आएगा वाला मेचुका वाला, यू आर ब्यूटीफुल एज अ नॉर्थ ईस्ट, yes because I saw the northeast, northeast is mind blowing, then what are you looking here? We are going Ladakh. Ah, I know, I can understand, but yes, अभी मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान है पूरा कम्प्लीटली 7 सिस्टर करने का, कम्प्लीटली 7 सिस्टर करूँगा, श्योर, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय सब कम्प्लीटली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पीपल आर, ये देखो, अभी आई वॉज देयर इन NERM, सिक्किम, आर यू अवेयर अबाउट NERM? NERM, नॉर्थ ईस्ट राइडर मीट, No. There is a event organized every day, every year, NERM, North East Rider Meet. I don't know. Every year, it will be held in different state of North East. In 2018, it will be held in Sikkim. Mm-hmm. We were there. And upcoming next, it may be in Nagaland. In the time of Hornbill Festival. Okay. That time? India. Yes. I will be there. ये दीदी मेरी बीवी को भड़का रही है राइड करने के लिए, ठीक है? हम बोला इन्हें ऐसे वाला एक किनो और एकदम नो कम अलोंग विद योर बाइक, ये दीदी नॉर्थ ईस्ट से 5 और लोगों के साथ राइड कर रही है, ये इनका चैनल है माई सोल ईस्ट, वाकई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ना ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त है, अभी बहुत जल्दी हम लोग वहाँ के भी राइड करेंगे, तो दीदी यहाँ पे अपने को मिल गए, मज़ा आया इनसे बात करके मिल के, तो अभी दीदी को बाय बोलने का टाइम आ गया, दीदी बाय, हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से है, या और भी 3 है, मैं सुपर राइडर्स, ओके फॉलो कीजिए, श्योर श्योर, को भी फॉलो कीजिए, सर का सब्सक्राइब कीजिए, हाँ चैनल को, चैनल का नाम लिंक दे देंगे, हाँ लिंक दे देगा, श्योर श्योर श्योर, चलो ठीक है दीदी, चलो ठीक है दोस्तों, अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे निकलते हैं। दोस्तों ये है नया रास्ता जो अभी आप ये ब्रिज देख रहे हो ऊपर को जाने के लिए, इसके थ्रू ही अपना नए रास्ते पे अब जाया जाता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बंद किया हुआ, तो ये देखो नीचे से रास्ता है, अभी आपको जब आप कीरतपुर साहब की तरफ से आओगे तो आपको इधर से आके स्वारगढ़ वाली रोड पकड़नी पड़ेगी, ये ब्रिज की स्टार्टिंग है ये, लेकिन रास्ता बंद किया हुआ है ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए, दोनों तरफ से ये रास्ता बंद है, तो अभी आपको जो भी जाना चाहते हैं, मतलब आज की जो डेट है आज है 10 जून, और अगर आज की डेट में आपको मणिकरण या मनाली जाना है तो आपको जाना पड़ेगा पुराने रूट से होके, नया रूट अभी बंद किया हुआ है। लो जी दोस्तों
घर पहुंच गए, सारी हसल भसड़ जो भी था ना आज, सारा का सारा जो भी है वो सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। इतना जाम मिला, आपने देखा ही होगा पूरे वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, बस थका हुआ हूँ यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक में गाड़ी चलाना ना आप समझ सकते हो यार क्या हालत होती है, मतलब बैंड बज गई, बहुत बुरी हालत है। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट नई सीरीज़ में, तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।